कम से कम उसकी चैंपियनशिप तक तो सबर कर लेते। कर डाले पल में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम आपको बताएंगे कि आश्रम सीजन 2 के एपिसोड 6 छद्मा युद्ध की कहानी के बारे में। तो दोस्तों जब बाबा बाबा को सबूतों के बारे में पता लगता है कि सबूतों से किसी ने छेड़छाड़ की है, तो वो सबूतों वाले कमरे में जाते हैं और जाते ही समझ जाते हैं कि सबूतों के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है। तो इस बात को जैसे पता लगता है आश्रम की पूरी सिक्योरिटी कड़ी से कड़ी कर दी जाती है और भोपा बाबा खुद लग जाते हैं छानबीन में। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर नताशा और पत्रकार चाहते हैं कि उजागर सिंह एंड साधु दोनों बाहर निकलें, नहीं तो भोपा बाबा को पता चल जाएगा। तो डॉक्टर नताशा साधु की पत्नी को लेकर आ जाती है आश्रम में और साधु और उजागर को निकालने के लिए। तो दोस्तों एक तरफ मम्मी के साथ जो बुरा होता है वो अपने भाई को बताने की कोशिश करती है, लेकिन बबीता के ना बताने पर ऐसा लगता है कि बबीता भी बाबा से बदला लेना चाहती है और पम्मी लग जाती है अपनी तैयारी में। उधर दोस्तों साधु और उजागर सिंह सब सबूतों को लेकर बाहर निकल जाते हैं डॉक्टर नताशा की हेल्प से और लग जाते हैं सब सबूतों को समझने में। लाल उनकी समझ में डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आते हैं तो उनको पता लगता है कि आश्रम की सारी जमीन ईश्वरनाथ के नाम से थी, जो कि कागज के रिकॉर्ड में ईश्वरनाथ मर चुका होता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था जो कि नेपाल में रहता था। लेकिन उजागर सिंह उसकी बेटी सनोवर के बारे में ईश्वरनाथ को बता देता है और खुद से मिलने के लिए उसको बुलाता है। दूसरी तरफ दोस्तों इलेक्शन पास आने को होते हैं, सीएम और उखम सिंह दोनों की रैली निकलती है। उखम सिंह राहुल गांधी की तरह भाषण देने लग जाता है क्योंकि बाबा का उसे पूरा सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो हर भाषण में बाबा का निंदा करता है। और दूसरी तरफ उजागर व साधु ईश्वरनाथ से नेपाल बॉर्डर पर मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों कविता पम्मी को बताती है कि ये जो तेरे साथ गलत हुआ है वो सब तेरा बाबा ने ही किया है, लेकिन इस बात से पम्मी को विश्वास ही नहीं होता है और इस बात को मानने के लिए भी रेडी नहीं होती है। तो कविता पम्मी को अगली बार गलत होने को लेकर सचेत कर देती है। दोस्तों यही होता है एपिसोड 6 में, मिलते हैं अगली वीडियो में एपिसोड 7 के साथ।